Show the membrane. So that membrane is right, literally I've got my finger. See, look at that. Since head is not. बच्चे को जन्म देना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। अब इंसान के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, उनका जन्म कितने महीनों में होता है, ये तो आपको अच्छे से मालूम है। लेकिन जब बात जानवरों की आती है तो लोगों का डब्बा गुल हो जाता है और लोग ये भूल जाते हैं कि जानवर भी हमारी प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको इस दुनिया में जन्म लेने वाले जानवरों का ऐसा रूप दिखाएं जिसे देख आप ही कहने पर मजबूर हो जाएं कि ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या। जेंट पांडा। दोस्तों, पांडा की क्यूटनेस भला किसे पसंद नहीं, हर कोई इनका दीवाना है। पर जब आपको पता चलेगा ये दुनिया की सबसे खराब माँ है तो आप क्या करेंगे। ये बियर की फैमिली से बिलोंग करती है और केवल चाइना में ही रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि चाइना के सिंबल्स की तरह है। पर अगर हम बात करें इनके बेबीज की तो दोस्तों पांडा ज्यादातर ट्विंस बेबी को जन्म देते हैं, लेकिन उनके जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। उनमें से सिर्फ एक ही जीवित रह पाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पांडा अपने किसी एक ही बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे पाती है, और जिस बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाता। क्योंकि वैसे तो भालू की सभी प्रजाति के बच्चे काफी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सिर्फ पांडा को छोड़कर और साइंटिस्ट बताते हैं कि इसकी वजह हाइबरनेशन हो सकती है, जिस वजह से पांडा के बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर पैदा होते हैं और उनका वजन 90 से 130 ग्राम के बीच में होता है। वहीं एक पांडा का वजन 70 से 125 ग्राम होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, एक पांडा की बॉडी में इनके बच्चे 1 किलो तक के वजन भी नहीं रखते होंगे, और शायद इन्हीं सब वजहों से जब ये पैदा होते हैं तो इनकी स्किन नॉर्मल पांडा जैसी नहीं होती, बल्कि वो एकदम लाइट पिंक कलर के होते हैं। कोआला। दोस्तों, स्ट्रेंज हर्बीवोरस दिखने में थोड़े भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को ये पता है कि अनोखे जानवर कैसे जन्म लेते हैं। दोस्तों, इनका प्रेगनेंसी पीरियड 32 से 35 दिन का होता है, जिसके बाद एक बेबी पैदा होता है, लेकिन वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कोआला के बच्चे भी अनडेवलप्ड होते हैं, जिनका वजन आधे ग्राम का होता है। हालांकि उनके हाथ, पैर और शोल्डर पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं और बॉडी के कई सारे सिस्टम ऑलरेडी फंक्शन कर रहे होते हैं, और इस स्टेज में बिल्कुल नवजात को कोआला अपनी मदर के पाउच में चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह कंगारू के बच्चे भी करते हैं, जब वो आधे डेवलप होते हैं तो उनकी मदर के पाउच में चले जाते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह से डेवलप होना शुरू होते हैं। और ऐसे ही बेबी कोआला के साथ भी है। बेबी कोआला करीब 26 हफ्तों तक अपनी मदर के पाउच में रहती है, जिसके बाद से वो अपना सर बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, और अपने बर्थ के 6 से 7 महीने के बीच ये छोटे से कोआला अपनी मदर के पाउच से बाहर निकलते हैं। जिराफ। दोस्तों, जिराफ की प्रेगनेंसी बहुत ही खास होती है, जो 400 से लेकर 460 दिनों के बीच में होती है, तब जाकर बच्चा जन्म लेता है। हालांकि बहुत रेयर केस में ट्विंस पैदा हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर तो जिराफ एक ही बच्चे को एक बार में जन्म देती है। दोस्तों, जिराफ अपने बच्चे को खड़े होकर जन्म देती है, जिसके बाद वो डायरेक्ट जिराफ की हाइट जितनी ऊंचाई से जमीन पर गिरता है, और गिरने के तुरंत बाद वो थोड़ी देर बाद ही वापस वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन बस कुछ ही घंटों में बेबी जिराफ न सिर्फ चलने लगता है बल्कि दौड़ने भी लगता है। जी हाँ, जिराफ के बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। हालांकि अपने पहले से तीसरे हफ्ते के बीच में जिराफ के बच्चे अधिकतर छुपे रहते हैं, क्योंकि उस समय इनके स्किन में काफी चेंजेस होते हैं, और उसके साथ ही बच्चे ये भी सीखते हैं कि इन्हें अपने साथ के एनवायरनमेंट में किस तरह रहना है। जिसके बाद जब 3 हफ्ते हो जाते हैं तो जिराफ के बच्चे अब पूरी तरह से बाहर के एनवायरनमेंट में रहने लायक बन जाते हैं। टर्टल। दोस्तों, सी टर्टल अपने अंडे बीच में रात के समय छोड़ती है, और ये जहां पर अपने अंडे छोड़ती है वो जगह समुद्र की लहरों के थोड़ी दूर होती है, जिससे वहां तक पानी बहता हुआ ना आए। अधिकतर टर्टल्स अपने अंडे 3-4 साल में एक बार देती है, और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक बार में करीब 100 अंडे देती है, और वो सभी अंडे रेत के नीचे मौजूद होते हैं। अंडों के अंदर ही टर्टल्स के बढ़ने का प्रोसेस शुरू होता है, जो करीब 2 महीने का होता है, जिसके बाद सभी टर्टल अपने अंडों में से बाहर निकलते हैं। हालांकि उनमें से सभी जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि जब वो अपने अंडों से निकलकर पानी के अंदर आते हैं तो उतनी देर में पक्षी उनका शिकार कर लेते हैं, जिस वजह से उनका सफर पूरा नहीं हो पाता। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जो टर्टल पानी तक पहुंच गए हैं वो जिंदा ही रहेंगे, क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद भी वो सेव नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह प्रेडेटर फिश और ह्यूमन एक्टिविटी है। जी हाँ, हमारे द्वारा की गई गंदगी से छोटे छोटे टर्टल उसी में फंस कर मर जाते हैं। स्लोथ।
दोस्तों अब आप हमारे इस वीडियो के सबसे अजीब क्रिएचर से मिलिए। नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, वाकई बहुत अजीब है, क्योंकि ये जानवर अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं, जहाँ ये पेड़ों पर ऊपर नीचे करते हुए बड़े खुश रहते हैं और इन्हें इस तरह की लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दोस्तों कहा जाता है स्लॉथ की प्रेगनेंसी उसकी स्पीशीज पर डिपेंड करती है, जिसमें 6 से 12 महीने तक का पीरियड होता है और जब ये टाइम खत्म हो जाता है तो एक सिंगल बेबी स्लॉथ पैदा होता है जो अगले 5 महीनों तक अपने मदर के साथ ही रहता है। हालांकि दोस्तों कई बार पेड़ों से गिर जाने की वजह से बेबी स्लॉथ मर जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है स्लॉथ की मदर अपने बच्चों के गिरने पर उन्हें उठाने नहीं आती। इसके बावजूद भी दोस्तों एक स्लॉथ अपनी मदर से सब कुछ सीखता है, फिर चाहे वो पेड़ों पर चढ़ना हो या फिर कुछ और। दोस्तों यहाँ तक कि बेबी स्लॉथ अपनी मदर के टिप्स को टेस्ट करके ये पता लगाते हैं कि कौन सा फूड उनके खाने लायक है और कौन सा नहीं। सी हॉर्स, वैसे तो इस जानवर में ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन सी हॉर्स के रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां बाकी जीवों में बच्चों को पैदा करने की जिम्मेदारी मदर पर होती है, वहां सी हॉर्स में ये जिम्मेदारी मेल सी हॉर्स पर होती है। दोस्तों जब मेल और फीमेल सी हॉर्स मिलते हैं तो फीमेल सी हॉर्स मेल सी हॉर्स को करीब 1500 अंडे देती है और फिर उसका सारा काम यहीं खत्म हो जाता है। आगे का सारा काम मेल सी हॉर्स का होता है। फिर मेल सी हॉर्स अपने पाउच में करीब 9 से 35 दिनों तक इन अंडों को ग्रो कराता है, जिसके बाद सी हॉर्स मेल सी हॉर्स के पाउच से पूरी तरह से ग्रो होकर निकलते हैं, लेकिन इनका साइज बहुत छोटा होता है। इतने दिनों तक अपने अंदर रखने के बाद सी हॉर्स की पेरेंटल ड्यूटी खत्म हो जाती है, जिसके बाद ये छोटे सी हॉर्स से अपने आप ही ग्रो करते हैं, जिससे इन्हें पानी में रहने वाले शिकारी जीवों से भी बचकर रहना होता है और खुद को सर्वाइव करने के लिए अपना फूड भी ढूंढना होता है, और इसी वजह से उनमें से आधे से भी कम सी हॉर्स बड़े होने पर जीवित नहीं रह पाते। अल्पाका, आप देख सकते हैं अल्पाका कितने ज्यादा प्यारे हैं और ये इंसानों से दोस्ती बनाकर रखते हैं और हम इंसानों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों इस प्यारे से जानवर को कई लोग अपनी वेडिंग फोटोशूट में शामिल करते हैं, जिससे साबित होता है कि ये कितने ज्यादा एडोरेबल हैं। वहीं अगर हम इनके बर्थ की बात करें तो दोस्तों एक अल्पाका की प्रेगनेंसी का पीरियड 11.5 महीने का होता है, जिसके बाद ये बेबी को बर्थडे देती है और आधे घंटे के अंदर ये छोटे बेबी उठकर चलना भी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बेबी अल्पाका करीब 6 महीनों तक अपनी मदर के पास ही रहते हैं और 6 महीनों बाद इन्हें अपनी मदर से कोई मतलब नहीं होता और अपनी लाइफ जीने में लग जाते हैं, यानी कुछ ही समय में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सैलामेंडर, दोस्तों ये खतरनाक से दिखने वाले जीव सैलामेंडर है, जो एक एम्फीबियन होते हैं। हालांकि ये इतने कुछ खास नहीं होते, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस काफी खास है, क्योंकि इस दुनिया में पाए जाने वाले कई जीवों की तरह ये भी बच्चों को जन्म भी दे सकते हैं, उनके साथ भी ये अंडे देते हैं। हालांकि ये सब स्पीशीज पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह बेबी को बर्थ देते हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये जान सकते हैं कि इनका पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह से काम करता है। दोस्तों जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह सेल डिवीजन की मदद से ये छोटे से अंडे बस कुछ ही समय में सैलामेंडर में बदल जाते हैं। एंट ईटर, दोस्तों शायद आप भी इस अजीब से दिखने वाले जानवर के बारे में ना जानते हो, इसलिए हम आपको बता दें ये हमारे लिस्ट के एक और वियर्ड एनिमल है। दोस्तों इन्हें पेड़ों पर चढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन हर एंट ईटर पेड़ पर नहीं चल पाता, क्योंकि जाइंट एंट ईटर का वजन 180 सेंटीमीटर से लेकर 220 सेंटीमीटर के बीच में होता है और ये साइज कई सारे पेड़ नहीं उठा पाते, इसलिए इस तरह के जाइंट एंट ईटर जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों जाइंट एंट ईटर का प्रेगनेंसी पीरियड 190 दिनों का होता है, जिसके बाद एक छोटा सा बेबी पैदा होता है और कई सारे जानवरों की तरह बेबी एंट ईटर भी अंधे पैदा होते हैं और करीब एक हफ्ते बाद इन्हें कुछ दिखाई देना शुरू होता है। पैदा होने के कुछ समय तक ये दूध पीते हैं, लेकिन उसके बाद ये सॉलिड खाने पर आ जाते हैं, जिसमें ये इंसेक्ट्स को खाते हैं और इन सब चीजों के बीच में ये अपनी मदर के बैक पर राइड करते हैं, जिसमें इनका कलर इनकी मदर के कलर के साथ पूरी तरह मर्ज हो जाता है और कोई पहचान नहीं सकता कि एंट ईटर की बैक पर उसका बेबी भी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में अपनी राय देना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।